इटावा के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज पूर्व भाजपा नेता मनीष यादव सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सपा में शामिल होने पर आज जिला अध्यक्ष गोपाल यादव सभी को हार माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शफी अहमद बालक, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शारिक अंसारी, छात्र सभा नगर अध्यक्ष शमशाद हुसैन का सपा जिला अध्यक्ष कार्तिकेय यादव ने माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज मनीष यादव, शफी अहमद बालक सहित दर्जनों लोग भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए हैं। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनपद की तीनों सीटों पर सपा जीत का परचम लहराएगी। नौजवान साथियों के दम पर 75,000 पार्टी को वोट भी दिलवाया, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ, जिन नारों के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, सबका साथ और सबका विकास, नौजवानों को रोजगार होगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, गंगा माँ हमारी साफ हो जाएगी, गौ माता सुरक्षित हो जाएगी और समाज के दबे कुचले शोषित समाज के व्यक्तियों को भी न्याय मिलेगा।